नमस्कार। कोविड 2019 में अभी तक की जो सूचना है इस प्रकार से है कि सवेरे जो पत्रकार मित्रों के साथ जो बात हुई उसके बाद अभी तक 78 यानी 78 पॉजिटिव केसेस आए, इसमें से 3 मृत्यु हुए हैं जो हमारे पेशेंट्स थे, और 12 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ठीक होके वापस घर चले गए हैं। अब जो नए केसेस सवेरे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुए हैं, अहमदाबाद में 32, सूरत में 38, वडोदरा में 5, बनासकांठा में 3, ऐसे करके कुल 78 केस हमारे यहाँ आज पॉजिटिव आए हैं। और अभी तक जो पॉजिटिव जितने भी हमारे मरीज हैं उनकी संख्या 1099, इसमें से 963 जितने लोग स्टेबल हैं, रूम के एयर पर हैं या फिर बाईपैप पर हैं, 9 लोग ऐसे हैं कि जो वेंटिलेटर पर हैं, क्रिटिकल हैं, और 86 लोग ऐसे हैं कि आज डिस्चार्ज हो गए हैं। अब तक टोटल आज 12 और अभी तक जो हुए हैं सबको कुल मिला के 86 जितने लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। आज दिन के दरमियान 24 घंटे में हमने 2535 टेस्ट किए हैं, इसमें से 170 यानी के 170 इतने टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, और अभी तक कुल मिला के हमने 23438 जितने टेस्ट किए हैं, और इसमें से 1099 टेस्ट पॉजिटिव हैं। अब जो आज अलग अलग डिस्चार्ज हुए हैं, इसमें आणंद के 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, पाटन में 5, कुल 5 पाटन में 7 जितने लोग हैं जो धारपुर में थे, हमारी मेडिकल कॉलेज GMERS धारपुर, और अहमदाबाद के 2 लोग हैं जो SVP अहमदाबाद में थे, और आनंद में 2 ऐसे मरीज थे जो जनरल हॉस्पिटल आनंद में थे और 1 करमसद हॉस्पिटल में भी थे। ये सब बिल्कुल ठीक होके जा रहे हैं, में से 1 83 वर्ष के भी एक पुरुष हैं पाटन के, और खास कल जैसे हमने कहा था एक 92 वर्ष के एक बहुत बड़ी उम्र के एक पुरुष भावनगर से बिल्कुल ठीक होके वापस गए हैं। उन्होंने जब जाते हुए अपना जो शुक्रिया भी अदा किया और अपने जो उनके जो प्रतिभाव थे उन्होंने शायरी के माध्यम से भी कहा है, जो हम मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे, और बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने अभिव्यक्त किया कि उनको कैसा पूरा ट्रीटमेंट लगा और उनको कैसा अनुभव रहा। तो इस तरह से आज की पूरी विगत है, और जैसे कहा गया कि आज एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज से 24,000 जितने रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स हमारे यहाँ आ चुके हैं। अब हमारे जो तजज्ञ निष्णात हैं इसको पूरा इसका कैलिब्रेशन, चेकिंग, टेस्टिंग ये सब अभी कर रहे हैं, और इसकी तालीम भी, क्योंकि ये नए किट्स हैं जो चाइना से आए हैं, तो इसको हमारे निष्णात एक बार देख लेंगे और उसके बाद ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि जो भी काम हो रहा है अच्छे से पक्का ढंग से हो, और इस तरह से इसका यूज़ होगा। और एक महत्व की बात कि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन की जो बात है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट, प्लाज्मा की एक ट्रांसफ्यूजन का एक सिस्टम है, और ये खास करके कोविड 2019 की जंग में और खास करके जितने मरीज क्रिटिकल हैं, सीरियस हैं, उनके लिए बहुत काम आएगा। इसीलिए हमने एप्लीकेशन तो की थी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री ने, हर्षवर्धन साहब जो माननीय केंद्रीय आरोग्य मंत्री श्री हैं, उनसे बात भी की है, और 2 बार दिन में उनसे भी बात की है, और वहाँ से फॉलोअप हो रहा है कि ये परमिशन हमें मिल जाए। मैंने भी वहाँ हमारे जो सेक्रेटरी DHR हैं डॉक्टर बलराम भार्गव, उनसे भी बात की है, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जितनी जल्दी हो सके, और हमारे फूड एंड ड्रग्स के जो कमिश्नर हैं वो भी इसके बिल्कुल फॉलोअप में आज हैं। हमारी इच्छा है कि जितनी जल्दी इसकी हमें मंजूरी आ जाएगी, हमने सब तैयारी हमारी तरफ से रखी है, और हम ये जो एक तरीका है इसे अपनाएंगे और देखेंगे कि अगर इससे कोई वेंटिलेटर से बच सके तो बहुत अच्छी बात होगी। खास सबसे अनुरोध है कि आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार ने बनाया है, हम सब हर एक व्यक्ति इसे जो अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें, तो इससे इस बीमारी को,
के संक्रमण को हम से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। नमस्कार।